Hello friends, this is Trupti and I welcome all of you on my beautiful channel NPC, where you can learn all the concepts related to physics. And today's topic is equilibrium of a particle, common forces in mechanics and frictional force, or we can say friction. ये थ्री टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने लॉज ऑफ मोशंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों लॉज ऑफ मोशंस कवर कर लिए हैं. आई होप आपको वो लेक्चर पसंद आए होंगे. अगर पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें. एंड अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं देन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप लास्ट के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं. यस, इन सभी वीडियोस के आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि हमारे टेलीग्राम लिंक पर अवेलेबल हैं. सो यू कैन टेक दिस नोट्स. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल. ओके, इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मीनिंग होता है बैलेंस, ठीक है. किसी भी बॉडी पर बैलेंस सिचुएशन हो दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम. बैलेंस इन द सेंस उस पर फोर्सेस जो भी ऑकर हो रहे हैं, जो भी फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्स लगाए जा रहे हैं, वो सभी फोर्सेस क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है. इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मीनिंग होता है कि किसी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस, ठीक है, सभी एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं उनका सम होता है, वेक्टर सम होगा, वो जीरो होगा, ठीक है. सो वी कैन से इन मैकेनिक्स इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल रेफर्स टू द सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, और वी कैन से स्टेट ऑफ बैलेंस. ओके, सपोज वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m एंड दिस बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है. सपोज आपके पास एक बॉडी है m मास की और उसे हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है. एंड अभी हमने इनिशियली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, ठीक है. इनिशियली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है इन द सेंस बॉडी रेस्ट में है, ठीक है. ना तो बॉडी आगे मूव कर सकती है, ना ही पीछे, और ऊपर नीचे कहीं भी मूव नहीं कर सकती. अगर आप एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं देन बॉडी मूव करेगी यहाँ पर, ठीक है. बट अभी क्या, इनिशियली हमने क्या किया कि बॉडी रेस्ट पर है. रेस्ट में बॉडी है इन द सेंस उस पर फोर्सेज जो अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, फोर्सेज जो अप्लाई हो रहे हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट के कारण कैंसिल आउट हो रहे हैं. मीन्स नेट फोर्स जो है वो जीरो हो रहा है, ठीक है. एक्चुअली अगर कोई बॉडी रेस्ट पर रखी हुई है तो उसमें टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, वेट फोर्स काम करता है और ये होता है एम जी, ठीक है. ये डाउनवर्ड होता है हमेशा, एम जी. कोई भी बॉडी अगर आप रखें किसी सरफेस पे या कहीं पर भी, ठीक है, किसी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो उस पे जो वेट फोर्स होगा, ठीक है, वेट फोर्स होगा वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड एम जी होगा. ओके, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा, ठीक है. जो भी आप सरफेस ले रहे हैं, सरफेस अगर इस तरह से है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है. अब अगर सरफेस आपने इस तरह से ले लिया तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है. बॉडी का मास एम है बट नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में. अब अभी भी एम जी नीचे ही रहेगा, एम जी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है. एम जी कि कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, एम जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क करेगा, ठीक है. बट नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ सरफेस इस तरह से तो सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा, ठीक है. अब बॉडी रेस्ट में है इन द सेंस जो भी अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस हैं एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस हैं वो इक्वल हो जाएंगे. मीन्स एन इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा, ठीक है. ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन में ऑपोजिट है, इसलिए कैंसिल आउट हो रहे हैं. एंड देन पार्टिकल रेस्ट में है इन द सेंस ये जो बॉडी है वो बैलेंस में, इक्विलिब्रियम है, ठीक है. अगर आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, फोर्स कुछ एफ अप्लाई करें और बॉडी अभी भी रेस्ट में है, इन द सेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, जो कि हमारे अप्लाइड फोर्स के ऑपोज होता है, ठीक है. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल. नाउ कॉमन फोर्सेस इन नेचर, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है कॉमन फोर्सेस इन नेचर. कौन कौन से फोर्सेस हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है. सो फोर्स क्या होता है. एक्चुअली फोर्स इज दैट कॉज विच चेंजेस पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज हो रही है तो ये किसके कारण हो रही है, फोर्स के कारण, ठीक है. आप उस बॉडी पर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए बॉडी का मूवमेंट हो रहा है एंड बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है. तो एक्चुअली फोर्सेस तो काफ़ी टाइप के होते हैं बट हमें इस चैप्टर में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स, इन दो तरह के कॉन्टैक्ट फोर्स पर चर्चा करनी है, ठीक है. सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. ओके, ये दोनों फोर्सेस हमें क्लास 12th में पढ़ना है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का एक सेपरेट चैप्टर है आपके आगे के चैप्टर में, ठीक है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली एम जी जो होता है, ठीक है, मीन्स ग्रेविटी ड्यू टू
द अर्थ, उसके कारण जो फोर्स क्रिएट होगा दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका डिटेल्ड स्टडी हम आगे आने वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। यहाँ इस चैप्टर में हम कॉन्टैक्ट फोर्स मेनली जो फोर्सेस की बात करेंगे, दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। टेंशन फोर्स की भी बात होगी यहाँ, नॉर्मल रिएक्शन की अभी मैंने बताया, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सिंपली नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स होता है जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है। ये सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये हो गया, ये सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स में जैसे आप अगर रोड ले लिया या आपने स्ट्रिंग ले लिया तो उसके थ्रू जो फोर्स एग्जर्ट होगा दैट इज द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। एंड एट लास्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में स्टडी करते हैं। लेट्स सी फ्रिक्शन, ओके। तो फ्रिक्शन सिंपली होता है एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स जब बॉडी किसी सरफेस पे फिजिकली अटैच होती है, ठीक है, फिजिकली मोशन करती है, उस फोर्स को बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स का एक टाइप है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है। क्या हुआ, हमने ये एम मास की एक बॉडी ली है और उस बॉडी को एक सरफेस पे रख दिया है, ठीक है, सरफेस पे रख दिया है। हमने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया एफ, ठीक है, फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई किया बट बॉडी ने मूवमेंट नहीं किया, ठीक है। एक और चीज़ है कि यहाँ पर बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, हमेशा एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, कोई फोर्स कुछ भी हो बट एम जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो एम जी इस बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा एंड इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा, ठीक है। ये दोनों तो आपको करना ही है, ठीक है। नाउ हमने अप्लाई किया एफ फोर्स, इस बॉडी पर हमने एफ फोर्स अप्लाई किया बट बॉडी अभी भी रेस्ट में है। इसका मतलब ये है कि बॉडी पर, ठीक है, बॉडी पर एक ऑपोजिट फोर्स लग रहा है जो कि अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट है एंड मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होगा, तभी वो बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अप्लाइड फोर्स को और बढ़ा दिया, धीरे धीरे बढ़ाते गए तो बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, ठीक है। और बढ़ाया, सपोज आपने 5 न्यूटन अप्लाई फोर्स की दिया, ठीक है, 5 न्यूटन दिया इनिशियली, फिर 10 न्यूटन दिया, फिर 20 न्यूटन दिया। तो हमने क्या किया कि 20 न्यूटन दिया फोर्स एंड देन बॉडी ने मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, 10 तक नहीं, ठीक है। मीन्स 20 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब इस मैक्सिमम वैल्यू के बाद आपने अप्लाई फोर्स बढ़ाया, इंक्रीज किया, देन बॉडी मूवमेंट करेगी, बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगी। मीन्स अपोजिंग फोर्स जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज होता गया एंड अप्लाइड फोर्स आपने बढ़ा दिया। सो बेसिकली फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन, ठीक है। हम यहाँ रिलेटिव मोशन की इसलिए बात कर रहे हैं कि इस बॉडी, ये जो बॉडी है वो हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिखाया है, ठीक है। इस बॉडी को हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन को डिनोट किया है, ठीक है। अब ग्राउंड के अलावा और भी अदर रेस्पेक्ट में हो सकता है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडीज एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज द पैरल टू द सरफेस, ठीक है। ये सरफेस है आपका और इस सरफेस के आपने अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में दिया, तो अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज पैरल, सरफेस के पैरल होता है एंड अप्लाई फोर्स के ऑपोजिट होता है, ठीक है। एंड इसको इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, इट एक्ट्स टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट, जो भी कॉन्टैक्ट हो रहा है बॉडी और सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट हो रहा है उसके टेंजेंशियली अलोंग होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। सो फ्रिक्शनल फोर्स आपको आया, फ्रिक्शनल फोर्स इज बेसिकली द ऑपोजिट फोर्स विच अपोज द अप्लाइड फोर्स एंड इट इज द टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स के अलोंग होता है। फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कि बॉडी एक्चुअली मोशन कर रही है, ठीक है, मीन्स मोशन हो रहा है, हमारे जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, ठीक है, बॉडी का जो स्टेट पोजिशन है उससे आगे बढ़ गया बॉडी और बॉडी मोशन स्टार्ट कर दिया। तो जब मोशन स्टार्ट करेगा तो आपको ये पता है कि मोशन हो रहा है मीन्स फ्रिक्शन फोर्स कम हो रहा है, ठीक है। मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, बॉडी लगातार मोशन कर रही है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर चेंज नहीं होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन में मोशन हो रहा है और जो फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी मोशन कर रही है, ठीक है, बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है
या हम सिंपली कह सकते हैं कि वो मोशन कर रही है, इसीलिए फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी देन डिपेंड करेगा मोशन पर, ठीक है, बॉडी के मोशन पर। बट अभी यहाँ पर बॉडी कॉन्स्टेंटली मोशन कर रही है, इन द सेंस फ्रिक्शन क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट। और काइनेटिक फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं हम एफ ऑफ के, सफिक्स में के लिखते हैं, के फॉर काइनेटिक, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनली साइन को रिमूव करेंगे सो आपने एक कॉन्स्टेंट टर्म यूज किया म्यू के। म्यू के इज द कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसकी जो वैल्यू है म्यू के की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है सरफेस पर, ठीक है, जो भी आप सरफेस ले रहे हैं उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर सरफेस चेंज कर दिया तो सरफेस के अकॉर्डिंग म्यू के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और ये एक्चुअली तो कांस्टेंट होती है बट हम एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें वैल्यू गिवन होगी। एंड सेकेंड वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जब बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, अभी हमने क्या किया, ये बॉडी को रेस्ट में अभी फोर्स अप्लाई किया बट बॉडी ने मूवमेंट नहीं किया, मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही होगा, ठीक है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही होगा या ज़्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स, ये भी हो सकता है। तो बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, तो जब बॉडी की टेंडेंसी हो मूवमेंट करने की, मतलब बॉडी अभी रेस्ट में है बट आगे वो मूवमेंट करने वाली है, तो उस फ्रिक्शन को बोलते हैं स्टेडी फ्रिक्शन। और ये वेरिएबल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है और उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो इट इज द वेरिएबल टर्म, ठीक है। स्टेडी फ्रिक्शन वेरिएबल है एंड इट इज डिनोटेड बाई एफ एस, इसे एफ एस से डिनोट किया जाता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो इनिशियली हम जीरो से, जैसे फ्रिक्शन जीरो से स्टार्ट किया और मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, जितना भी आपने मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स दिया है वो लिमिटिंग, ठीक है, एफ लिमिटिंग मतलब जो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी जब तक रेस्ट में है तब तक, ठीक है, जैसे ही आपने उस लिमिट के बाहर फोर्स दिया, मीन्स अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू के बाद वैल्यू को बढ़ाया, तो बॉडी फिर मूवमेंट स्टार्ट कर देगी, ठीक है। ये जो लिमिटिंग वैल्यूज है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल फोर्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिमूव किया तो यहाँ पर म्यू एस लिया आपने, ठीक है, कॉन्स्टेंट, एंड इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी रेस्ट में रहे, मीन्स बॉडी की टेंडेंसी हो कि वो चलने वाली है, ठीक है, अभी मोशन स्टार्ट होने वाला है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बार बार चेंज होती है, क्यों, क्योंकि इनिशियली बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, अप्लाई फोर्स आपने 5 न्यूटन का दिया, मीन्स यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है, 5 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन वो नहीं पता, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तभी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, ठीक है, हमने अप्लाइड फोर्स को और बढ़ाया, मीन्स यहाँ पर अभी भी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन भी हो सकता है, ठीक है, 10 न्यूटन से और ज़्यादा बढ़ाया, मीन्स अगर आपने 20 न्यूटन किया देन बॉडी ने मूवमेंट स्टार्ट किया, इन द सेंस एफ एस की वैल्यू ऑब्वियसली 20 से स्मॉल होगी, 20 से लेस होगी, ठीक है, तभी बॉडी मूवमेंट करेगी। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन को समझ सकते हैं, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो कि आप आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, जैसे लाइक FBD, फ्री बॉडी डायग्राम एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस। थैंक यू सो मच।